आज़मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है वो पार्ट टू डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप जमहूरियत और आमरियत के सेकंड पार्ट के हवाले से है, मतलब लेक्चर नंबर टू। तो इसमें वोकैबुलरी भी आपके सामने आएगी और टेक्निक्स भी आएगी और कोशिश करेंगे कि आपको जो जो टेक्निक्स हैं उसके हवाले से भी अवेयरनेस दें, ताकि जब आपको टेक्निक के हवाले से अवेयरनेस होगी तो आप किसी भी टॉपिक पर लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। और ज़्यादातर आपने जो कोशिश करनी है वो वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो इंशाल्लाह जिस तरह हम आजकल बच्चों को आपको मतलब ये ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जब तकरीबन 20 एसेज को हम टच कर लेंगे तो ये ज़हन में रखें कि आपके सामने किसी भी टॉपिक पर बोलना और लिखना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि की पोस्टों के लिए फाइट करें, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज होगा, इंग्लिश की ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी, तो आपके लिए सीएसएस या पीएमएस के एग्ज़ाम को पास करना कोई मुश्किल नहीं है। और कोशिश करें कि आप की पोस्टों के लिए फ़ाइट करें, क्योंकि जैसे कि हालात हैं, महंगाई है, छोटी पोस्टों का कोई फ़ायदा नहीं है हमारे मुल्क में। अपने आप को बड़ी पोस्ट के लिए लाएँ ताकि आप इस मुल्क को ईमानदारी से चला सकें, क्योंकि जब ईमानदार लोग हमारे हुकूमत में आएंगे तो इंशाल्लाह मुल्क खुद बहुत तरक्की के रास्ते पर आएगा। तो आगाज़ करते हैं सबसे पहले वोकैबुलरी का। बियर बर्दाश्त करना, इवन हत्ता के, एन इनएफिशिएंट वन, या बल्कि ये कह लें इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट ना अहल। एफिशिएंट कहते हैं लाइक, और इनएफिशिएंट ना लाइक ना अहल। अडॉप्ट वायलेंट एटीट्यूड, तशद्दुद आमेज रवैया अख्तियार करना। सच अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट, इस तरह की हुकूमत, इलेक्शन, इंतखाबात, गिव अ फ्री आउटलेट, एक आज़ाद रास्ता देना, एक्सप्रेस बयान करना, फीलिंग ऑफ एंगर, गुस्से के जज्बात, यूज द राइट टू वोट, वोट का हक इस्तेमाल करना, आउट ऑफ 70 ईयर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख के 70 सालों में से, आउट ऑफ होता है में से, डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, आमराना हुकूमत, बिसाइड्स, इसके अलावा, द रेस्ट 35 ईयर, बाकी 35 साल, रेस्ट बाकी को शो करेगा, सेमी डेमोक्रेटिक रूल, नीम जमहूरी हुकूमत, नीम होता है आधी हुकूमत गवर्नमेंट की और मतलब आधी जो है वो प्राइवेट से कहते हैं, जैसे कि नीम ऑफिस है, मतलब इदारा है ये, मतलब वो सेमी गवर्नमेंट, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, सेमी गवर्नमेंट है। इसमें तकरीबन ये होता है कि इंडिपेंडेंट होती है मगर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़रूर होता है, उसको कहते हैं सेमी गवर्नमेंट इदारा, जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी और भी इस तरह के, बादशाह हो गया, वाबडा हो गया, ये भी सेमी गवर्नमेंट में आते हैं। तो उसके बाद देखें इलिटरेट, नाख्वानदगी, जाहिल, इलिटरेट अनपढ़, एंड इग्नोरेंट, अनपढ़, इग्नोरेंट अनपढ़, इलिटरेट एंड इग्नोरेंट वोटर्स, जाहिल और अपना नाख्वानदा और जाहिल वोटर्स, इलेक्ट इंतखाब करना, द माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, हुकूमत की नाकस कारकर्दगी, खराब कारकर्दगी, माल फंक्शनिंग, खराब कारकर्दगी, अवेयरनेस, शाउर, द फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त, फ्यूडल एंड ट्राइबल सिस्टम, नवाबों और कबाइलों का निज़ाम, जागीरदाराना और कबाइली निज़ाम, अबोलिश, ख़त्म करना, डिनाय, इनकार करना, नो सेन पर्सन, कोई भी, मतलब सेन कहते हैं बाशऊर, बाशऊर आदमी, अक्ल रखने वाला, जेन रखने वाला, दिमाग रखने वाला, फेवर, हमायत करना, हैव अ लिंकेज, राबता रखना, कन्विंस, कायल करना, सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़, माशरे के हिस्से, सेगमेंट कहते हैं हिस्सों को, सर्वाइवल, बका। तो ये थे वोकैबुलरी थी। अब आपने देखना है इसमें हमने जो ये ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है ये सब्जेक्ट को, और ये जो ग्रीन है ये ऑब्जेक्ट के लिए है, और उसके बाद जो रेड कलर है, रेड कलर साइन दे रहा है वर्क को। तो बाकी जो इजाफी चीज़ें होंगी, आमरियत में लोगों को हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ता है, यूज हैज़ टू, हैव टू का, जिस फिक्र में कोई मजबूरन काम करना पड़े, ना पड़ता है का लफ्ज आ जाए तो उसमें हम हैज़ टू, हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट हैज़ टू, हैव टू, वर्क प्रीफर्स टू हम, और ऑब्जेक्ट, इसमें आमरियत में मे वाला हिस्सा जो है ना वो इजाफी होता है, इसको बाद में ले आए या शुरू में ले आए। इन डेमोक्रे, इन डिक्टेटरशिप आमरियत में,
लोगों को हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ता है, ये लोग हैं सब्जेक्ट, द पीपल हैव टू बियर, लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है, किसको, हुकूमत को, द गवर्नमेंट। अगर ये नाहल भी हो, यानी कि हत्ता के, या अगर ये नाहल भी हो, जब किसी चीज बी पर जोर दिया जाए तो उसके लिए हम इवन का यूज करते हैं, और अगर वाला हिस्सा हमेशा प्रेजेंट में जाएगा। अब इसमें वर्ब नहीं है, प्रेजेंट का सिंपल, इफ, अगर ये भी कैसे इवन, हत्ता के इवन इफ इट इज इनएफिशिएंट, हत्ता के अगर ये नाहल भी हो, इवन हत्ता के इफ इट इज इनएफिशिएंट, अगर ये नाहल भी हो। इस तरह उन्हें इस तरह की कुमत को बदलने के लिए तशद्दुद अमेज रवैया अख्तियार करना पड़ता है। फिर वो यूज आ गया हैज टू, हैव टू का, दे हैव टू अडॉप्ट, उन्हें अख्तियार करना पड़ता है। क्या अख्तियार करना पड़ता है? तशद्दुद अमेज रवैया, वायलेंट एटीट्यूड, किस लिए? इस तरह की उम्र को बदलने के लिए। के लिए के साथ वर्ब आ जाए तो के लिए किस होगी, टू, टू के फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, टू चेंज सच काइंड ऑफ गवर्नमेंट या सच अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट, ताकि वो अपने ख्याल का इजहार कर सकें। अगर देखें, अगर किसी फिक्रे के दो हिस्से हों, दोनों के सब्जेक्ट सेम हों, तो जो ताके वाला हिस्सा होता है उसकी जगह पर हम टू का इस्तेमाल करते हैं। अब जब टू लगाएंगे, टू के फॉर्म पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ताकि वो अपने ख्याल का इजहार कर सकें, टू एज पर एज देयर व्यूज या इमोशन या फीलिंग, ताकि वो अपने ख्याल का इजहार कर सकें। लोग इंतखाबात में वोट का इस्तेमाल करके अपने गुस्से के जज्बात का इजहार करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, लोग अपने गुस्से का के जज्बात का इजहार करते हैं। द पीपल एक्सप्रेस देयर फीलिंग ऑफ एंगर, देयर फीलिंग्स ऑफ एंगर, अपने गुस्से का इजहार करते हैं। अब इसमें टेक्निकल पॉइंट आ गया, वर्ड का इस्तेमाल करके, जिस फिक्र में करके का लग जाएगा बाय, बाय के साथ जब भी वर्ब आई एन जी का इजाफा होगा, बाय यूजिंग द राइट टू वोट, द राइट टू वोट इंतखाबात में इन इलेक्शंस। नेक्स्ट देखें, पाकिस्तान की तारीख के 70 सालों में से बाकी 35 साल अमलाना हुकूमत के थे। पाकिस्तानी तारीख के 70 सालों में से आउट ऑफ 70 ईयर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में से, आउट ऑफ द 70 ईयर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख के 70 सालों में से कॉमा लगाकर बाकी 35 साल, द रेस्ट 35 ईयर्स, पास का सिंपल का फिक्र है, वर द गवर्नमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप अमराना हुकूमत के थे, वर द गवर्नमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप अमराना हुकूमत के थे। इसके अलावा बिसाइड्स, इसके अलावा वो बाकी 35 साल, इसके अलावा वो बाकी 35 साल नीम हुकूमत के थे, इसके अलावा बाकी 35 साल कर लें, इसके अलावा बाकी 35 साल, इसके अलावा, इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, बाकी 35 साल, द रिमेनिंग 35 ईयर्स वर ऑफ द सेमी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, द सेमी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखें, ना ख्वानदगी, ना नवाबों और कबीलों के निज़ाम जुम्मों की खराब कारकर्दगी के जिम्मेदार हैं। सादा फिक्र है, सब्जेक्ट इजराम और ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट ये है, ना ख्वान इलिटरेसी, फ्यूडल एंड ट्राइबल सिस्टम, ये सब्जेक्ट हो गया। आर रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल के साथ आ गई प्रोपोजिशन फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर माल, अब इसके लिए आएगा माल फंक्शनिंग, माल फंक्शनिंग ऑफ जमूल की खराबी के, माल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, एक अनपढ़ वोटर अक्लमंदी से अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, यूज ऑफ कैन, एक अनपढ़ वोटर एंड अनएजुकेटेड वोटर कैन नॉट यूज द राइट टू हिज वोट, द राइट या हिज राइट टू वोट, हिज राइट टू वोट अक्लमंदी से, वाइजली, जागीरदार कबायली और करप्ट हुक्मरान इस सूरत हाल का फायदा उठाते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट फ्यूडल्स, ट्राइबल एंड करप्ट रूलर टेक इट्स बेनिफिट या टेक द बेनिफिट ऑफ दिस सिचुएशन, ना ख्वानदा और जाहिल वोटर उनका इंतखाब करते हैं, इलिटरेट एंड अनएजुकेटेड वोटर्स अलेक्ट देम, इसलिए इस तरह के रहनुमा जमहूरी अमर बन जाते हैं। डेयर फॉर सच काइंड ऑफ लीडर्स बिकम जमहूरी अमर डेमोक्रेटिक डिक्टेटर, इसलिए हमारे मुल्क में जमहूरी कामयाबी के लिए तलीम और शाउर पहली शर्त है। देयर फॉर
एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द फर्स्ट कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। जागीरदाराना और कबायली निज़ामों को भी ख़त्म किया जाना चाहिए। यूज ऑफ शुड पैसिव का फिक्र है, फ्यूडल एंड ट्राइबल सिस्टम शुड आल्सो बी फिनिश्ड या अबोलिश्ड। कोई भी जमहूरियत और इंतखाबात की अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। यूज ऑफ कैन, नोबडी कैन डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस। इंतखाबात में लोग हुक्मरान रब्ता रखते हैं। इन इलेक्शन पीपल एंड रूलर हैव लिंकेज। पार्टियां माशरे के तमाम हिस्सों को कायल करने की कोशिश करती हैं। पार्टीज ट्राई टू कन्विंस ऑल द सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज। उनकी बका जमहूर की कामयाबी में होती है। देयर सर्वाइवल इज इन द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये था हमारा आज का जो लेक्चर था। तो चूँकि अजान भी हो रही है और माजरत, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मज़ीद नॉलेज देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।